press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, इसकी वीडियोस मैं डालता हूं, टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस डालता हूं इस पर, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टेक्निकल रिलेटेड और भी वीडियोज़ में बना के देता रहूँ और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। हमारी यही कोशिश क्या है कि मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं हर प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपकी तरफ से, आपका प्यार मिल रहा है। आपके प्यार की वजह से ही मुझे और प्रेरणा मिली कि मैं और वीडियोज़ बनाऊं। तो उसी रिलेटेड में आज आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया, जो अनबॉक्सिंग है वाइकिंग कंपनी का एक चैन सा मशीन है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज। तो ये एक गैसोलीन चेंसा है जो गैसोलीन यानी पेट्रोल पे वर्क करती है। 58 सीसी का इसका इंजन है और नियर अबाउट ये 11,000 आरपीएम है इसका, मतलब रोटेशन पर मिनट चेन का है 11,000 पर मिनट। तो ये प्रोडक्ट जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट है, गारंटी वारंटी इसकी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने होती है। और भी अगर आप लेना चाहते हैं किसी अच्छी कंपनी का तो उसके आपको गारंटी मिल सकती है। ये प्रोडक्ट है वाइकिंग कंपनी का, ये एक चाइनीज़ है, लेकिन चलता अच्छा है ये, जितना चलाओगे आराम से चलाओगे प्रोटेक्शन से तो ठीक चलेगा। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, तो देखते हैं इसमें क्या है। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग इसमें क्या है, और इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और डालूंगा इसकी। कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि इसको असेंबल कैसे करना, तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा पूरी के कौन से जो पार्ट्स हैं वो कहाँ कैसे जोड़ने हैं, चेंज कैसे लगाना है, सब वो वीडियो मैं बना दूँगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपका, तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आपको इसमें मिलता है ये यूज़र मैनुअल, आप इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसके बाद ये मिलता है आपको, इसमें आपने ऑयल डालना है और इसमें 2 स्ट्रोक ऑयल मिक्स करना है जितनी मात्रा इसमें बताई गई है। उसके बाद ये कुछ टूल्स मिलते हैं, स्क्रू ड्राइवर है, होना है ये इसको शार्प करने के लिए एक टूल है चेन को, कुछ नट बोल्ट्स हैं, छोटा छोटा सामान है, मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। बेसिकली ये है इसका इंजन, मैं बता देता हूँ आपको, ये है इसका इंजन, इसी के वेयर वर्क करता है, पूरा वर्क इसी का है। ये यहाँ से रेस देना है, जब वो मैं चलाऊँगा तो चला के भी आपको बताऊँगा। ये इसका चेन स्टॉप है एमरजेंसी के लिए, स्टॉप करने के लिए। और इसमें एक और चीज़ है, ये चेन इसको लगाना है, 22 इंच का है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये है इसका इंजन, ये देख सकते हैं आप। अच्छा दोस्तों शुक्रिया, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसकी असेंबलिंग के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो कि मेन चीज़ काम आती है काटने के, पेड़ काटने के या लकड़ी काटने के, वो है ये चैन बार है। लगभग इसका वज़न होगा मेरे ख्याल में, जब मैं लाया था मैंने सोचा कि ये प्लास्टिक का, लेकिन ये तो स्टील का है, बहुत मज़बूत है, दिखने में प्लास्टिक का लगता है ये, लेकिन बहुत मज़बूत चीज़ है। ये नियर अबाउट होगा 1.5-2 केजी के करीब होगा, इसी का तो मेन काम है ये, इसके ऊपर ही हमने चैन चढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्द ला रहा हूँ, बहुत जल्द ला रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।